अमृत काल का भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और इसकी विकास की गति को तेज रफ्तार देने में भारतीय रेल पूरा सहयोग कर रही है। इस कड़ी में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत देश भर के 1309 स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उन्हें आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे यात्री सुविधाओं के साथ ही क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी आए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के महत्वाकांक्षी विजन के तहत पहले फेज में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है। इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरे फेज में 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास तथा 1500 से अधिक ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास किया जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की इस देशव्यापी श्रृंखला में उत्तर रेलवे के 43 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है तथा 92 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन 43 स्टेशनों में से उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले मुरादाबाद डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य तथा 2 रोड ओवरब्रिज तथा रोड अंडरब्रिज के निर्माण का शिलान्यास व लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। स्टेशनों के पुनर्विकास से ये 6 रेलवे स्टेशन स्योहारा, गढ़मुक्तेश्वर, कोटद्वार, बुलंदशहर, आंवला और बालामऊ सुविधा, सुरक्षा और सुगमता से यात्रियों को लाभ पहुंचाएंगे। इनके साथ ही आरओबी तथा आरयूबी से सड़क का उपयोग करने वाले नागरिकों की सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। फाटक के हटने से रोड ट्रैफिक भी सुगम होगा, समय तथा ईंधन की भी बचत होगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले इन स्टेशनों के पुनर्विकास में स्थानीय संस्कृति और इतिहास का भी खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि ये स्टेशन उस क्षेत्र की पहचान बन सके। यह अमृत स्टेशन पूरे देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे और देश के कस्बों, शहरों, जिलों और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान कर वहाँ की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी लाएंगे। देश को गति रेल से और प्रगति भी रेल से।